Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata ओमज्ञानिरन्धस्य ज्ञानान्यनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजन सहितं तन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So, हमने देखा अब तक इन जो 12वें अध्याय के बाद के अध्यायों की कड़ी है उसमें भगवान इस भौतिक जगत उसके अस्तित्व और उससे निकलने के मार्ग के बारे में हमें विस्तृत रूप से बताते हैं। 13वें अध्याय में भगवान ने इस भौतिक जगत को एक अश्वत्थ वृक्ष या एक बरगद के पेड़ से उपमा की। सो भौतिक जगत कैसा है? एक बरगद के पेड़ के जैसा। जैसे बरगद का पेड़ अपने आप छोटे छोटे रूट से हैंगिंग रूट से अपने आप को और बलवत्तर करता जाता है बढ़ाता जाता है, वैसे ही जीव इस भौतिक जगत में इच्छा और भोग के रूट्स को बढ़ाते जाता है और अपने भौतिक अस्तित्व को क्या करता है, बहुत ज्यादा बलवत्तर कर देता है, स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। सो ये जो पेड़ है भौतिक जगत का अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम, सुविरूढ़ मूल उसके जो मूल है बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन्ड है और वो अपनी शक्ति कहां से पा रहे हैं? भोग और इच्छाओं से वो अपनी शक्ति पा रहे हैं। सो इसलिए असंग शस्त्र विद द स्वॉर्ड ऑफ डिटैचमेंट एंड दृढ़ेन मींस विद डिटर्मिनेशन। डिटैचमेंट चाहिए और डिटर्मिनेशन चाहिए। इस भौतिक जगत से निकलना है तो डिटैचमेंट चाहिए और डिटर्मिनेशन चाहिए। इसलिए हम देखते हैं वर्ण और आश्रम की जो ये संकल्पना है कैसे दी गई है, ब्रह्मचारी आश्रम जहां पे कोई भी एक तरीके से भोग, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और संन्यास भोग नहीं है। केवल गृहस्थ आश्रम में बहुत ही लिमिटेड, उस भोग को भी कैसे लेना है उसको ट्रेन करने के लिए पहले ब्रह्मचारी आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, फिर वहां से निकलिए वानप्रस्थ 50-55 पे रिटायरमेंट। सरकार भी आज 58 पे सबको कंपलसरी रिटायरमेंट। सो ये रिटायरमेंट किस लिए है? नाउ यू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन चैंटिंग हरे कृष्ण, उसके लिए है। मेरे पिताजी आर्मी में थे एंड एवरी थ्री इयर्स
बिकॉज ही वॉज एन ऑफिसर, ही यूज टू गेट ट्रांसफर्ड. सो जब भी उनका ट्रांसफर होता था, सो दे हैव अ स्ट्रेंज वे ऑफ, देयर इज अ सी ऑफ पार्टी, जहां से भी व्यक्ति बाहर जा रहा है, जिस भी यूनिट से वो बाहर जा रहा है और दूसरी यूनिट में जा रहा है, सो सी ऑफ, देयर इज अ पार्टी. सो व्हाट इज अ पार्टी कंसिस्ट ऑफ? पार्टी होती है, खाना पीना वगैरह होता है. उसके बाद में उनके जो सारे फेलो ऑफिसर्स हैं, वो बाहर जाने वाले ऑफिसर को, आउटगोइंग ऑफिसर को एक कुर्सी में बिठाते हैं. कुर्सी में बिठा करके चार पांच लोग और उस ऑफिसर की कुर्सी को उठाते हैं और झूला झुलाते हैं और गाते हैं, यू आर ए जॉली गुड फेलो, यू आर ए जॉली गुड फेलो, यू आर ए जॉली गुड फेलो, सो स्टे आउट ऑफ अस, ऐसा करके उसको जूम बाहर फेंक देते हैं. सो यू आर ए जॉली गुड फेलो, सो स्टे आउट ऑफ अस. ऐसे सरकार हर किसी को 58 पे रिटायरमेंट कर देती है. यू आर अ जॉली गुड फेलो, सो स्टे आउट ऑफ अस, नाउ नो मोर वर्क. सो व्हाई नो मोर वर्क, देन व्हाट टू डू? लोगों के पास एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है. 58-60 के जो हैं, 30-35 साल तक रोज 8-9-10 घंटे काम करके आदत हो गई है, सुबह 9 से शाम को 6:30-7 बजे का सबका तक का समय निकलता रही है, तो क्या करना है? उस समय जपा करना है, उस समय शास्त्र पठन करने हैं, उस समय कीर्तन करना है, उस समय प्रचार करना है, उसके लिए वो समय. सुवानप्रस्थ, रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ एंड संन्यास. यस, जहां पर आप भगवान के हैं, भगवान आपके हैं, बस. सो शास्त्र वर्ण और आश्रम के हिसाब से पहले ही डिटैचमेंट सिखा रहे हैं. और वो डिटैचमेंट कैसे? दृढ़ेन चिंत्वा, दृढ़ता से. यस, दृढ़ता पूर्वक डिटैचमेंट जो अपने जीवन में अवलंबन करेगा, निश्चित रूप से वो सफलता प्राप्त करेगा. सो दिस वॉज द एसेंस ऑफ 13th चैप्टर. और उसके बाद भगवान ने 14वें अध्याय में बताया किस प्रकार से, अगर ये भौतिक जगत बना है अश्वत्थ वृक्ष के तरीके से, तो चलता कैसे है वो? So one is the vehicle and the second is its drive chain mechanism. तो आपके पास कार है, कार में पहिए हैं, इंजन है, चेसी है, सा विंडशील्ड्स हैं, वाइपर्स हैं, हेडलाइट्स हैं, हॉर्न है, दुनिया भर की चीजें हैं. लेकिन ये चलाने का माध्यम कुछ और ही है, वो माध्यम है इंटरनल कंबस्टन इंजन. सो केवल इंटरनल कंबस्टन इंजन होगा, लेकिन उसके साथ में वो मैकेनिज्म नहीं होगा आगे जाने वाला, तो उस इंटरनल कंबस्टन इंजन का फायदा क्या है? और गाड़ी में मस्त है आपके पास, यस, आपको एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज बेंज माइनस इंजन, क्या करोगे लेकर के? सर, जितनी गाड़ी महत्वपूर्ण है उतना उसका इंजन महत्वपूर्ण है. सो अगर आप मर्सिडीज को लेकर के उसको दो भागों में बांटेंगे, एक तो गाड़ी और दूसरा उसका इंजन. सो गाड़ी इज 13th चैप्टर, और उसका इंजन जो उसका ड्राइव चेन मैकेनिज्म वो है 14th चैप्टर. यस, सो तीन गुण, सत्व, रजस और तमस, और उसके बारे में हमने बहुत डिटेल में पिछले बार चर्चा की थी. वो होने पर अब भगवान हमें आगे लेकर के जाते हैं. What does he say? So 15th chapter also is distributed in these 20 श्लोकों में. So 12वें अध्याय में और 15वें अध्याय में, दोनों अध्यायों में केवल 20 श्लोक हैं. यहां पर भी ये अध्याय जो है वो 5 भागों में बटा हुआ है. श्लोक क्रमांक 1-6, 7-11, 12-15, 16-18 और 19-20. सो पहले 6 श्लोकों में हमें भगवान बताते हैं कि भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत किस प्रकार से असंग शस्त्रेन और दृढ़ेन चित्वा. हमने ये अभी डिस्कस किया था कि भगवान 13वें अध्याय में बताया, असंग शस्त्रेन दृढ़ेन चित्वा. सो असंग, डिटैचमेंट, और ध्रुव, दृढ़ता कैसे आएगी? वो दृढ़ता आएगी जब शरणागति होगी.
सो असंग शस्त्रेन दृढ़ेन चित्वा, आप अपने आप से सोचेंगे तो दृढ़ता कभी नहीं आएगी। कोई आपको बोल रहा है इसलिए आपको करना ही होगा, उसे दृढ़ता कहते हैं। बहुत कम विरले लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खुद ब खुद दृढ़ता आती है, मुझे ये करना है। अधिकांश लोगों को, जैसे हम कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, दे नीड टू बी पंप्ड, बिकॉज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वी बम्प्ड। यस, गौर गोपाल प्रभु कहते हैं कि भक्ति में दो प्रकार के लोग आते हैं, दोज हु आर सीकर्स एंड दोज हु आर बम्पर्स। दोज हु आर सीकर्स, रे मैं ढूंढ रहा था मुझे भगवत गीता कहां मिलेगी, मैं ढूंढ रहा था मुझे भक्त कहां मिलेंगे, मैं ढूंढ रहा था प्रभुपाद जी की किताबों को। ऐसे हमारे इस ग्रुप में कितने लोग हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स, हाउ मेनी सच डिवोटीज हियर। मैं निश्चित रूप से उनमें से नहीं हूं। आई वॉज नेवर वॉन्टिंग टू कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। इज एनी वन हियर अमंगस्ट अस, कोई है हमारे बीच में ऐसे जो, हाँ पंकज प्रभु, यस ही रेज्ड हिज हैंड, सीकर। भद्रेश दानी प्रभु, यस सीकर, थैंक यू। और कौन है हम में से जो हुआ सीकिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड दे केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस? सो पंकज प्रभु, भद्रेश दानी प्रभु, सो दिस इज वन काइंड कैटेगरी हु आर सीकिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। एंड सेकेंड कैटेगरी इज लाइक माई सेल्फ, दोज हु बम्प्ड इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऐसे ही घूम रहे थे, घूमते घूमते, अरे आए यार चलो संडे फीस्ट होती है, हलवा मस्त मिलता है, अच्छा ओके चलो हलवा खाने जाते हैं। सो हमारी पहली जो अप्रिसिएशन है भक्ति के प्रोसेस की, वो कहीं ना कहीं प्रसाद से जुड़ी हुई है। अगर प्रसाद अच्छे से नहीं मिलेगा, यस, मैं तो खुद कह सकता हूं यहाँ पे कि मैं ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं रहूंगा। ब्रह्मचारी है क्योंकि मस्त प्रसाद मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं। सो द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक एंड इट अप्लाइज टू प्रसाद ऑल द सेम, इट डजंट चेंज। सो अगर आपको अच्छे ब्रह्मचारी चाहिए तो आपको अच्छा प्रसाद उनको खिलाना होगा। So, because we were not seekers, we are bumpers. So, हम आ गए और कंटिन्यू कर रहे हैं। Yes. So, ऐसे में फिर अपने आप से वो जो दृढ़ता कैसे आएगी, वो दृढ़ता आएगी क्योंकि कोई दूसरा बोल रहा है। So, we need to be pumped. Yes. Because we bumped. So because we were not seekers, we are bumpers. So इसीलिए हमको यहाँ पे आने के बाद भी थोड़े पंप की आवश्यकता है, और ये पंप है शरणागति। भगवान के प्रति शरणागति का जो भाव है, ये हमें पंप करता है आध्यात्मिक जीवन को अपनाने के लिए। So this is the concept of the first six chapter, the first six shlokas of this chapter. फिर 7 से 11 भगवान जीव के ट्रांसमाइग्रेशन के बारे में कहते हैं, अलग अलग जीव, अलग अलग योनियों में जीव कैसे घूमता है। फिर 12 से 15 तक हम कैसे भगवान को इस जगत के पालनकर्ता के रूप में देख सकते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी है। 16 से 18 तक वेदांत और वेदों की समरी स्टडी के बारे में चर्चा की है, और फिर हमें पता चलता है अंतिम 2 श्लोकों में यस्मिन विद्या यस्मिन विज्ञप्ते सर्वमेदं विज्ञातं भवति, समथिंग लाइक दिस, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड्स, यस्मिन If you know Krishna, you know everything. Yes. So we begin
the first six shlokas, which means they take us from spiritual world, from material world to spiritual world. So, Shri Bhagavan Uvacha, Urdhva Moolamadha Shakham Ashwattham Prahuravyayam Chandansi Yasya Parinani Yastvam Vedasa Vedavit. So, इस भौतिक जगत की कल्पना एक उल्टे बरगद के पेड़ से दी गई. ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम. सो बरगद का पेड़ कैसा है? एक्चुअली मूल नीचे होने चाहिए और शाखाएं ऊपर होनी चाहिए. भौतिक जगत एग्जैक्टली उल्टा है. मूल ऊपर है, शाखाएं नीचे हैं. सो ये जो मूल है वो क्या है? मूल है भोग करने की इच्छाएं. और शाखाएं और पेड़ और पत्ते और फल क्या है? वो है कर्म और उससे होने वाले कर्म फल. सो इच्छाएं हैं इसलिए व्यक्ति कर्म करता है. कर्म से फिर कर्म और कर्म फल. कर्म करने पर फिर वही कर्म फिर से करने का जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है. एंड दैट इज हाउ वन कीप्स ऑन कमिटिंग द सेम गुड एक्टिविटी और बैड एक्टिविटी अगेन एंड अगेन. सो बारंबार किसी चीज को करना ये हमें क्या करता है? उस चीज के प्रति अभ्यस्त और आसक्त. दो चीजें होती हैं. हम अभ्यस्त हो जाते हैं वही चीज करने के और आसक्त हो जाते हैं वही चीज करने के. सो इसीलिए हम अगर भक्तिमय चीजों को नवविधा भक्ति का अभ्यास करेंगे उसके प्रति आसक्त होंगे कितना अच्छा है. यस, हु इज अ फर्स्ट क्लास डिवोटी? फर्स्ट क्लास डिवोटी मींस ही और शी इज नॉट गाइडेड बाय रूल्स. क्योंकि ये रूल है इसलिए मैं इसको फॉलो करूंगी, नहीं. वन इज गाइडेड बाय स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्ण. इसी शास्त्र में लिखा है इसलिए मैं जप नहीं करता या करती. किसी शास्त्र में लिखा है इसलिए मैं भक्ति नहीं कर रहा. मेरी इच्छा है भगवान को प्रसन्न करने की, उसलिए मैं कर रहा हूं. The highest standard. So, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम् छंदांसि यस्य परिणानि यस्त्वं वेदस वेदवित्. सो जो इस पेड़ को जानता है उल्टे कि कैसे ये इच्छा और भोग के ऊपर चलता है और कर्म फलों को प्रोड्यूस करता है, वो सही में इस भौतिक अस्तित्व को जानता है. अधश्चोर्ध्वं प्रसुता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रमाला अधश्च मूल्यानुसंतनानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके. इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा पोषित है. Yes, drive mechanism हम देखते हैं. So, पहले हमने roots और leaves के बारे में बात की, अब हम उसकी शाखाओं के बारे में बात करते हैं. So, शाखाएं जो हैं, वो क्या हैं? शाखाएं अर्थात from root to leaves, इसके बीच का भाग. root से लेके पत्ते के बीच का भाग जो है वो है शाखा. मूल को पत्ते से जोड़ने वाला जो मैकेनिज्म है वो है शाखा. सो वैसे ही इच्छाओं से कर्म फल को जोड़ने वाला, इच्छाओं और कर्म फलों के बीच में क्या है? कार्य. इच्छा है, उस इच्छा के ऊपर कार्य है, कार्य से फिर कर्म फल है. सो कार्य ये है वो शाखा, कर्म फल है पत्ते और बीज. तो ये जो कार्य है वो कैसे करता है व्यक्ति, हमने देखा था सब कुछ प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा किया जा रहा है. जीव ऐसे ही सोचता है कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते. यस, सो अगर पत्ता सोचेगा देखो या फूल सोचेगा देखो मैं कितना सुंदर हूं, अरे वो क्योंकि वो तने से टिका हुआ है, जुड़ा हुआ है, इसलिए वो सुंदर है. जिस दिन तने से निकल जाएगा वो मुरझा जाएगा, येल्लो हो जाएगा, सूख जाएगा, धरती पर जमीन में
गिर जाएगा, रेत से मला हो जाएगा, मैला हो जाएगा। जब तक वो उस ट्रंक से, उस मेन तने से, उसकी किसी ब्रांच से वो पकड़ा हुआ है, तब तक वो ताजा तवाना हरा भरा है। ऐसी जीव तटस्थ है, जब तक वो भगवान को पकड़ कर रखता है अपनी चेतना में, तब तक वो अपने मूल रूप में कार्य करता है। जैसे ही वो भगवान को छोड़ देता है, फिर वो भोग की इच्छा से कार्य करता है। उसके कारण फिर कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोक में कर्म बंधन के कारण वो फंस जाता है। सो रूट्स, ट्रंक, ब्रांचेस एंड लीव्स। रूट्स इज इच्छा, भोग की इच्छा। ट्रंक इज द एक्टिविटी जो हम करते हैं बिकॉज ऑफ दैट भोग की इच्छा, और वो एक्टिविटी रिजल्ट्स इन कर्म फल, दैट इज ब्रांचेस एंड लीव्स। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न न च संप्रदिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा। सो असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा। सो विद द स्वॉर्ड ऑफ डिटैचमेंट, विद डिटर्मिनेशन, कट दिस ट्री विच इज कंपेयर्ड टू एन अपसाइड डाउन अश्वत्थ वृक्ष। ततः पदं तत् परिमार्गतव्यं यस्मिन् गतान् निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी। सो ततः पदं तत् परिमार्गित, ऐसे रास्ते पर चलना चाहिए यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। ऐसे मार्ग का चयन करो जहां पर आगे जाकर के वापसी नहीं है। हम देखते हैं जब भी हम या तो एंजॉय करते हैं या पाप करते हैं, या तो अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो ऊपर जाते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, वहां पर वो लंबे समय तक भोग प्राप्त करता है। और फिर जब क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, फिर से मर्त्य लोक पे आ जाता है, गलत काम करता है, नारकीय लोकों में जाता है, तब तक भोग या यातनाएं भोगता है जब तक उसके पाप कर्मों की श्रृंखला खत्म नहीं होती, फिर वो निवर्तन्ति भूय, अगेन कम बैक टू स्क्वायर वन। सो अच्छाई और बुराई दोनों भी आपको स्क्वायर वन पे ही लेके आएंगे। अल्टीमेटली अच्छाई करेंगे टेम्पररली ऊपर जाएंगे, अल्टीमेटली नीचे आना पड़ेगा। बुराई करेंगे जब तक वो बुरे कर्मों का फल भोग नहीं लेते, तब तक यातनाएं होंगी, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कराएंगे, वापस शांत कर देंगे। सो हम देखते हैं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, भोग मतलब केवल अच्छा नहीं। हम देखते हैं भोग मतलब हम बुरी चीजों को भी, अगर किसी के जीवन में बहुत दुख चल रहा है, अरे पता नहीं किस जन्मों के कर्मों को भोग रहा है, हम बोलते हैं ना। सो भोग डज नॉट सिंपली मीन, हम बोलते हैं भोग मतलब एंजॉयमेंट, भोग मीन्स जो आपको इस जीवन में एनीवेज मिलेगा, वो मिलेगा, आप उसे ग्रहण करेंगे कि नहीं ये आपके ऊपर है, ये हमारे ऊपर है। भोग मीन्स पिछले जन्मों का लेखा जोखा जो मुझे इस जीवन में मिलने वाला है वो भोग है, या इस जीवन का लेखा जोखा जो भी मुझे मिलने वाला है। ये somebody is going through lot of trouble, पता नहीं कौन से जन्मों के भोग लेकर के आया है। So भोग is not the way we present भोगा। भोग means पिछले जन्मों के कर्म और उसके कर्मों के फल जो इस जीवन में परकोलेट होकर के आ रहे। ऊपर बाथरूम है, बाथरूम में अगर लीकेज होगा वो परकोलेट हो करके आपको इस दीवार पे दिखाई देगा। यस, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये एक साल पहले तक यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा ब्लैक पैच दिखाई दे रहा है। सो वो सीपेज हो रहा था, फिर धीरे धीरे उसको ठीक किया, अब नहीं हो रहा। सो वैसे ही कर्मों के फल हमारे जीवन में ऐसे परकोलेट होंगे,
सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज कॉल्ड भोग. अब है वो इतनी अच्छी दीवार लेकिन उस दीवार के ऊपर ये काला धब्बा आ गया है, तो आप कह सकते हैं ये उस दीवार का भोग है. यस. सो कर्मास डू परकोलेट, हमारे कर्म जो हैं वो हमारे पास वापस आते हैं किसी ना किसी तरह से, और वो भोग है, वो अच्छे हो या बुरे हो. यस. इसीलिए भगवान कहते हैं ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः. ऐसे मार्ग का चयन करो कि उस मार्ग का चयन करने के बाद फिर वापस यहाँ पे न आना पड़े. लीज एंड तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्य यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी. यस. भगवान की शरण लेनी चाहिए. तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्य, भगवान की शरण लो अपने जो हर एक चीज के सूत्रधार है. यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी, जो सभी चीजों के सूत्रधार हैं ऐसे भगवान की आप शरण लो. सो कैसे हम भगवान के श्री चरण कमलों के प्रति अपने आप को समर्पित करें. निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्ति मूढ़ा पदम व्ययम तत्. सो नी मान और मोह, मान प्राइड मोह इल्यूशन, विदाउट प्राइड विदाउट इल्यूशन, नीर मान एंड मोह. सो मान और मोह से रहित जित संग दोषाह, संग दोष इस भौतिक प्रकृति में व्यक्तियों के साथ गुणों के साथ परिस्थितियों के साथ रहते रहते दोष आ जाते हैं. सो दोष अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये दोष है. सो जित संग दोष है, संग के कारण काम वासना आ रही है, संग के कारण क्रोध आ रहा है, संग के कारण बाकी जो भी चीजें हैं वो आ रही है. सो जित संग दोष है. सो मान और मोह से ऊपर उठ करके संग दोषों का त्याग करके वी निवृत्त कामह, कामह द डिजायर टू एंजॉय इंडिपेंडेंट ऑफ लॉर्ड. निवृत्त काम है, नो डिजायर फॉर एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट विदाउट लॉर्ड. वी निवृत्त काम है, इट्स लाइक सीलिंग द डील. यस. सो जैसे अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़ में, सो कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए. सो मिस्टर एक्स वाई जेड लॉक कर दिया जाए. हाँ जी पक्का आप कोई लाइफ लाइन लेना चाहेंगे? नहीं तो लॉक कर दें. कंप्यूटर जी आंसर नंबर सी को लॉक कर दिया जाए. सो विनिवृत्त काम है, काम डिजायर, निवृत्त काम है गिविंग अप डिजायर, विनिवृत्त काम है सीलिंग द डील, लॉक कर दिया जाए. नो मोर सेंस ग्रेटिफिकेशन फॉर वन सेल्फ. द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे, द्वंद्व से मुक्त हो करके, कौन से द्वंद्व से मुक्त हो करके, सुख दुख संज्ञैर, सुख दुख मान अपमान हानि लाभ दिन रात गर्मी सर्दी, यस बुढ़ापा और जवानी, यस स्त्री पुरुष एक्स वाई जेड अच्छा बुरा सब, सुख दुख संज्ञैर द्वंद्व विमुक्ता, ऐसे व्यक्ति गच्छन्ति अमूढ़ा परम अव्ययत्, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति अमूढ़ा, मूढ़ मूर्ख, अमूढ़ somebody who is intelligent, पदम अव्ययम उस शाश्वत स्वरूप को भगवत तत्व को प्राप्त करते हैं. सो व्हाट इज द प्रोसेस टू अचीव दिस, सो व्हाट इज द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस. मान मोह को छोड़ करके संग दोष से ऊपर उठ के निवृत्त काम, नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन, आध्यात्म नित्य ऑलवेज एंग्रोस्ड इन स्पिरिट, कंप्लीटली अपलिफ्टेड फ्रॉम द्वंद्व, यस विच आर कॉल्ड एज सुख दुख, सो संज्ञैर, सो सुख दुख संज्ञैर,
संज्ञा मीन्स किसी चीज को इंगित करना, नोमेनक्लेचर, नाम देना. सो सुख दुख, ऑपोजिट्स, लाभ हानि, ये सब इनसे ऊपर, तब वो परम पद को प्राप्त करेगा या प्राप्त कर चुका है. ये क्वालिटीज है. केवल हम बोले हम महान हो गए ऐसे नहीं चलता, ये क्वालिटीज दिखनी चाहिए. यस. सो गोलोक वृंदावन कैसा है जहां पर आपको बुलाया जा रहा है? न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गतवान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम. सो वो जो जगत है भगवान का, उसको प्रकाशित करने के लिए चंद्रमा और सूर्य की आवश्यकता नहीं है, बल्कि चंद्र और सूर्य तेज पा रहे हैं क्योंकि वो भगवान का प्रकाश ब्रह्म ज्योति के रूप में लेते हैं. सो ब्रह्म ज्योति जो भगवान के शरीर से आने वाली अंग कांति है, जस्ट लाइक सन हैज सन रेज एंड गॉड हैज गॉड रेज, दीज गॉड रेज आर टेक्निकली कॉल्ड ब्रह्म ज्योति. सो उस ब्रह्म ज्योति का जो प्रकाश है वो चंद्र और सूर्य पर पड़ रहा है और उसको वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. न यद गत्वा न निवर्तन्ते. यस, यहां पर भी देखिए. यस, गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययंत, वहां जाएंगे अव्यय पद. यस, न गत्वा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, वो मेरा धाम शाश्वत है. Yes. So, जीव किस प्रकार से अपने अगले जीवन को भी अपनी मुट्ठी में रख सकता है अगर वो सही प्रोसेस का पालन करे तो. ममैवंशा जीव लोके जीव भूत सनातन मनः षष्ठाणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि गर्षति. So, सारे जीव वो किसी भी योनि में हो, वो किसी भी परिस्थिति में हो, yes, किसी भी दुख में हो, दर्द हो, लेकिन वो सब मेरे बेटे हैं, मेरे बेटियां हैं. मम एव अंश, जीव भगवान का अंश है. और भगवान देखिए कितना परफेक्टली हमें आप हमें सबको हम सबको अपने आप से जोड़ रहे हैं. सब प्रकृति ये हमें इंद्रिय और मन के कारण आकर्षित करती है. इंद्रिय एंड मन are the two very core faculties with which the mind deals with us. उससे ऊपर उठने के लिए हमें एक तीक्ष्ण इंटेलिजेंस चाहिए, शार्प इंटेलिजेंस चाहिए. और वो शार्प इंटेलिजेंस केवल शास्त्रों के माध्यम से ही, भगवान के माध्यम से ही मिलेगा. सो शरीरम यद अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि सम्याति वायुर्गंधा विनाशयात्. सो ये शरीर क्या करता है? ये जीव जो है शरीर को लेता और छोड़ता रहता है. जैसे हम कपड़े लेते हैं, वो पुराने होने के बाद में नए कपड़े लेते हैं और फिर वो भी पुराने हो जाएंगे, फिर नए कपड़े लेते हैं. So, शरीरम यद अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः. जीव शरीर को ले भी लेता है, संभाल भी लेता है, उसे छोड़ भी देता है. गृहीत्वैतानि सम्याति वायुर्गंधानि वा विनाशयात्. सो जैसे वायु, अब हम देखते हैं वायु हर जगह है, भूमि चलायमान नहीं है, वो स्टेशनरी है. आप उसे चलाएंगे तब वो चलेगी, अपने आप नहीं चलेगी. Yes. जल जो है वो जिस चीज में वो जाएगा उसका शेप ले लेगा. भूमि अपने शेप पे ही रहेगी, उसको क्ले बनाना पड़ेगा अगर उसका शेप चेंज करना है तो, लेकिन नॉर्मल भूमि. Yes. हवा हर जगह एंट्री करती है, भूमि एंट्री नहीं कर सकती, जल नहीं कर सकता, अग्नि नहीं कर सकती क्योंकि वो जलाकर राख करेगी थी. लेकिन वायुदेव जो है वो हर जगह छोटा सा पिन होल, उसमें से भी वो चले गए अंदर, कुछ दिखता नहीं है कहीं से तो वो चले गए अंदर. सो वायुदेव हैज एक्सेस टू एवरीथिंग.
एवरीथिंग. सो वायुर्गंधान विनाशय निवाशयात्. जैसे वायु जो है वो गंध को उड़ा करके लेके जाती है, वैसे ही जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में उड़ता रहता है. श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते. जीव क्या कर रहा है इस भौतिक जगत में? यस, भोग कर रहा है. कैसे भोग कर रहा है? प्लीज गिव मी 10 seconds, आई विल जस्ट कम. जीव इस भौतिक जगत में क्या कर रहा है? श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते. सो हमने इसके ऊपर पहले भी चर्चा की थी कि जो आपको दिख रहा है वो सेंसेस का हार्डवेयर है. उसके अंदर उसका एक सॉफ्टवेयर होता है. आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, दीज आर हार्डवेयर्स. लेकिन हार्डवेयर तो है, मैं आप लैपटॉप के ऊपर से आपको बोल रहा हूं. लैपटॉप तो दिख रहा है लेकिन उसके अंदर सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो क्या उपयोग का है? और सॉफ्टवेयर है उसको इंटरफेस करने वाला हार्डवेयर ही नहीं है तो क्या उपयोग है? सो दोनों चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, हार्डवेयर भी चाहिए. सो हार्डवेयर है ये सेंसेस, आंखें हैं, नाक है, ये सब. सो आंखें हैं या कान है? कान इज कर्ण, लेकिन कर्ण इज एक्सटर्नल, ये जो दिख रहा है. उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है विच एनेबल्स एक्चुअली अस टू हियर, दैट इज कॉल्ड श्रोत्र. एक व्यक्ति बहरा है मतलब नॉट नेसेसरली उसके कान नहीं है, वो कान है फिजिकली लेकिन ये होते हुए भी अंदर का सॉफ्टवेयर नहीं है. जैसे लैपटॉप 6-7-8 साल यूज होने के बाद में क्रैश, खत्म, सॉफ्टवेयर काम ही नहीं कर रहा. लैपटॉप है, लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया. सो दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. श्रोत्रम, श्रोत्रम इज द सॉफ्टवेयर, कर्ण इज द हार्डवेयर. वैसे ही चक्षु, चक्षु इज द सॉफ्टवेयर, नेत्र इज द हार्डवेयर. आईज या नेत्र इज द हार्डवेयर एंड चक्षु इज द सॉफ्टवेयर. व्यक्ति अंधा है मतलब आंखें नहीं है इसलिए अंधा, ऐसा नहीं होता. आंखें हैं फिर भी वो सॉफ्टवेयर जो है वो काम नहीं कर रहा. स्पर्श, यस, ये है त्वचा. त्वचा इज हार्डवेयर. फिर त्वचा में स्पर्श, घट्ट स्पर्श, मृदु स्पर्श, गरम, ठंडा, ये टेक्निकलिटीज हैं स्पर्श की. अफेक्शनेट स्पर्श या क्रोध या ईर्ष्या से क्या है वो स्पर्श. सो दिस इज स्पर्श. फिर रसन, जिह्वा इज द हार्डवेयर, रसन इज द सॉफ्टवेयर, टेस्ट. यस, और फिर घ्राण, यस, नासिका इज द हार्डवेयर और घ्राण इज द सॉफ्टवेयर. सो जैसे 5 senses और उनके बॉस है माइंड, वैसे ये 5 क्या है? ये 5 सेंस ऑब्जेक्ट, यस, विषय, यस, इन्हें कहते हैं विषय. सो दिस लाइक, सो टेक्निकली दीज आर कॉल्ड तन्मात्र. श्रोत्र, चक्षु, स्पर्श, रसन और घ्राण, दे आर कॉल्ड तन्मात्र. That software which helps the internal, the hardware of the device to interact with the hardware of user, that is called software. So ये हमारे जो श्रोत्र, चक्षु, स्पर्शन, रसन और घ्राण है वो जीव को बाह्य सृष्टि से इंटरैक्ट करने में बॉडी के माध्यम से मदद करते हैं. So what is the jiva doing with shrotra, chakshu, sparshan, rasana and ghran? Vishayan upasevate. Vishay vastuon ka wo bhog karta rehta hai. Yes.
फिर जीव कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमाइग्रेशन करता है, हाउ डज जीवा गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वानगुणान्वितम विमूढानानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन अन्यवस्थितं यतन्तो अपि कृतात्मानो नैवं पश्यन्त्यचेतसः। सो उत्क्रामंतं स्थितं वापि भुंजानं वा गुणान्वितं। सो जी मूर्ख व्यक्ति विमूढानानु पश्यन्ति, विमूढ़ विशिष्ट रूपेण मूढ़ जो बहुत ज्यादा इल्यूजन है वो न अनुपश्यन्ति, वो देख नहीं पाते कि कैसे जीव उत्क्रामंतम, उत्क्रामंतम मीन्स एग्जिट करता है, स्थितम रहता है, जीव शरीर में रहता है, शरीर छोड़ करके जाता है, भुंजाम वा गुणान्वितम, भौतिक गुणों के द्वारा प्रलोभनों से जो सामने भोग विषय वस्तु में आ रहे हैं उनका भोग करता है। ये मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ सकते, लेकिन पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो ये समझ सकते हैं कि कैसे जीव इस शरीर में भोग ले रहा है, एक शरीर से दूसरी जगह पे वो कूद मार रहा है और यही संसार चक्र चलता जा रहा है। सो यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्म न्यवस्थितम्। एक सही में प्रयत्नशील योगी अपने हृदय में यह सब कुछ देख पाएगा। यतन्तो अपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। Those who have really not come ahead in the matter of self-realization, they will never be able to comprehend this reality. जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने के लिए यतन्तः प्रयत्नशील नहीं है वो इस चीज को कभी नहीं समझ पाएंगे। So this is how we see, we preach to many people, but why don't they become devotees? So now there are two answers to this. One is, वो व्यक्ति यतन्तो अपि अकृतात्मानो। Yes. So he doesn't have prerequisite qualification. Yes. Vimudha nanu pashyanti. नैनं पश्यन्ति अचेतसः। सो अचेतन, वो सब कुछ अच्छा होते हुए भी वो अचेतन है, वो देख नहीं पा रहे क्या हो रहा है। लेकिन यतवान योगी अपने हृदय में सब कुछ देख पाएगा क्या हो रहा है। सो इस प्रकार से नेक्स्ट इज, भगवान इस भौतिक जगत के पालनहार हैं। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते खिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयामहमोजसा उष्णामि च औषधिं सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। सो यत् आदित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो सिद्धि विद्धि मामकं। So we get light from three sources, sun, moon and fire. So जो कुछ भी हमें light और heat, sun, moon और fire से मिल रही है, भगवान कहते हैं वो मेरे द्वारा दी गई है। Yes, यद आदित्य गतम, आदित्य is sun, जगत भासयते अखिलम, संपूर्ण जगत को व्याप्त करके वो क्या दे रहे हैं, उजाला दे रहे हैं। यद चंद्रमसि च यच्च अग्नौ, चंद्रमा का भी प्रकाश और अग्नि का प्रकाश, उनकी दाहकता, ये सब मेरे कारण आ रही है। तब तेजो विद्धि मामक, क्या करता हूं मैं, गामा विश्य च भूतानि धारयाम अहम ओजसा। सो दिस इज हाउ वी सी परमात्मा इज स्प्रेड इन एवरी सिंगल एटम। कृष्णा कन्फर्म्स दिस, गामा विश्य च भूतानि धारयाम अहम ओजसा, जीवों के हृदय में मैं हूं, प्रकृति के प्रत्येक कण में मैं हूं, और मैं बहुत ज्यादा गड़बड़ कभी नहीं होने दूंगा क्योंकि आई नो एवरीथिंग। उष्णामि च औषधि सर्वा सोम भूत्वा रुसात्मकः, संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडों को भगवान अपनी शक्ति से धरे हुए हैं। साइंटिस्ट उसको मस्त गुरुत्वाकर्षण बोले, फर्क नहीं पड़ता कुछ, भगवान ने सब कुछ अपनी शक्ति से हर जगह प्लांटिंग करके रखे हुए हैं। सो
इतना ही नहीं, भगवान हमारे बाहर भी हैं, भगवान हमारे अंदर भी हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधम। सो मैं वैश्वानर के रूप में प्राणी नाम देहम आश्रित, जो भी दिए देहधारी जीव हैं उनके शरीर में मैं रहता हूं। किस रूप में? वैश्वानर बन करके। और क्या करता हूं? पचामि अन्नम चतुर्विधम। सो चार प्रकार के जो खाने योग्य चीजें हैं, चर्व्य चूष्य लेह्य और पेय। यस, चर्व्य चबाने योग्य, चूष्य चूष्य यानी चूसने के जैसा स्ट्रॉ, हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं चूष्य चूसने के लिए, लेह्य चाटना चटनी, लेह्य चर्व्य चूष्य पेय इस पीने योग्य और चूष्य इस चाटने योग्य। ऐसे इन चार प्रकार के अन्नों को मैं पेट में पचन करने में मदद करता हूं। सो ही इज आउटसाइड ऑल्सो, ही इज इनसाइड ऑल्सो, ही इज इनसाइड एवरी एटम, ही इज इनसाइड एवरी जीवा, ही इज इनसाइड मी एंड ही इज इनसाइड यू। यस, सो मैं कहां कहां हूं? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमुपोहनम् च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत् वेदविद् एव चाहम्। मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित हूं। सर्वस्य च अहम् हृदि सन्निविष्टः निवेश। यस, निवेश मीन्स किसी दूसरे शरीर के ऊपर कब्जा या कंट्रोल, मोनोपोली। निवेश सब समनिवेश मीन सम्यक रूपेण निवेश। सो मैं हरेक जीव के हृदय में जाकर उनके हृदय के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल बैठा करके हूं। मुझसे ही स्मृति मति और ज्ञान ये आते हैं। स्मृति रिमेम्बरेंस, yes, मति इंटेलिजेंस एंड ज्ञान नॉलेज। रिमेम्बरेंस नॉलेज एवरीथिंग कम्स फ्रॉम कृष्णा। सो स्मृति और ज्ञान सब कुछ भगवान से आ रहा है। और भगवान कहते हैं वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, सारे वेदों का जो मूल है वो मुझे जानना है। अगर सब कुछ कर लिया लेकिन भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए तो क्या उपयोग है? सो वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः, सारे वेद चीख चीख कर करके कहते हैं आपको मेरे पास आना चाहिए। वेदांतकृत वेदविद, यस, सो वेदविद, मैं वेदों का सबसे बड़ा ज्ञाता हूं। वेद मैंने ही बनाए, मैंने ही रचना की और उन सारे वेदों को मैं पूरी तरह से जानता हूं। यस, सो देन कृष्णा समराइजेस इन द लास्ट 4-5 वर्सेस। द्वाम इवो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एवच, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। सो देन नाउ कृष्णा इज कमिंग टू द एंड पार्ट। इस शरीर में दो मालिक हैं, एक क्षर एक अक्षर। क्षर मीन्स जिसका पतन हो सकता है, हु कैन फॉल डाउन इज क्षर, एंड समवन हु कैन नॉट फॉल डाउन इज अक्षर। सो जीवा ही इज तटस्थ शक्ति, ही कैन फॉल डाउन, ही इज क्षर। यस, पतित होने योग्य इस शरीर का स्वामी है या इस शरीर का स्वामी हूं मैं। यस, सो अक्षर विच नेवर फॉल्स डाउन। सो द्वाव इमाव पुरुषो लोके क्षर अक्षर एवच। यस, सो शरीर में दो ओनर्स हैं,
वन इज जीवा, द सेकंड इज परमात्मा. क्षरा सर्वाणी भूतानी, हु कैन स्लिप, हु कैन फॉल डाउन फ्रॉम स्टैंडर्ड्स, वो सारे जीव क्षर है. और कूटस्थो अक्षर उच्यते, आध्यात्म ये क्या है, अक्षर है, वो कभी कहीं नहीं जाएगा, वो हमेशा ही रहेगा. सो उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मी उत्ति उदाहृत यो लोकत्रयम आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर. सो दिस इज व्हाट परमात्मा इज एंड दिस इज what he does. उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मी इति उदाहरतः यो लोकत्रयम आविश्य, इन दोनों के अतिरिक्त पर पुरुष परमात्मा भी है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है. यस, और एक उत्तम पुरुष है, वो कौन है? चूंकि मैं क्षर और अक्षर दोनों के परे हूं और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं. सो मैं हर जगह पर सर्वश्रेष्ठ हूं, इसीलिए मैं परम पुरुष हूं. सो कृष्णा इज हियर रेफरिंग टू क्या है, कृष्णा इज रेफरिंग टू इंडिविजुअल सोल एंड परमात्मा, एंड नाउ कृष्णा इज रेफरिंग टू हिज ओन सेल्फ. सो भगवान कृष्ण का अंश का अंश का अंश का अंश, आगे नीचे चलते जाइए, वो है परमात्मा. परमात्मा कौन है? अंश के अंश के अंश के अंश के अंश. यस्मात् क्षरमति तोहं क्षरादपि चोत्तमः, ततोऽसि लोके वेदेन प्रतितः पुरुषोत्तमः. चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूं और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं. सो कृष्णा इज टेलिंग हिज ओन ग्लोरीज. व्हाई? नॉट बिकॉज अर्जुन इज हियरिंग, बिकॉज वी शुड हियर. अर्जुन को तो सब पहले से ही मालूम था. अर्जुन का जो विषाद है, उनका जो दुख है, वो भगवान ने स्वयं ऑर्केस्ट्रेट किया था. सो अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं. एंड दैट इज हाउ द फाइनल टू वर्सेस ऑफ दिस चैप्टर, कि भगवान को जानेंगे तो सब कुछ जान जाएंगे. यो मामेव असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम सर्वभाविन भारत. अगर सही में कोई मुझे जान गया है, he can't help but worship me with all one's heart. Yes. If somebody really comes to know about me and has feelings for me, then definitely क्या होगा? मामेव असंबुडो जानादि पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भावेन भजति. वो संपूर्ण हृदय से, तन्मयता से भगवान की भक्ति करेगा. Yes. और इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम् उक्तं मयानघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत. सो ये जो हमारे बीच का एकदम गुप्त सर्वाधिक गोपनीय भाग है, एतद् बुद्ध्वा, yes, जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे. बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, वो व्यक्ति बुद्धिमान हो जाएगा और उस बच्चे के हरेक कार्य सिद्ध होंगे, उस व्यक्ति के या उस जीव के. सो दिस इज द फलश्रुति ऑफ द 15th चैप्टर. इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम् उक्तं मयानघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत. So thus end the 15th chapter. So we will stop our share. Govind Charan Prabhu has a question. Hare Krishna Prabhu, Dhanvat Pranam. Thank you for the session, Prabhu. Was immersed in it. And I had a question, Prabhu, about the Shara Nakshara part.
कि ऐसा प्रैक्टिकली देखा जाए शर मतलब उसका फॉल डाउन हो रहा है एंड अक्षरा इज द परमात्मा यू सेड यस। एंड कभी कभी हम डिवोटीज के साथ जब भी इंटरेक्ट करते हैं नहीं तो वी आर डूइंग सेवा, कभी कभी क्या हो जाता है हम बहुत मटीरियली जज कर लेते हैं गलती से, मतलब ये करना भी नहीं चाहिए। एंड समझो कि बहुत मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दो कि हमारा सीनियर है वो मंगल आरती के लिए नहीं उठ पा रहा है और हम जा रहे हैं, तो कभी कभी हम बोल देते कि ये कैसा डिवोटी, विच इज़ नहीं नहीं करना चाहिए पर तो भी हो जाता है। एंड हाउ टू अच्छे से मतलब कंट्रोल में, नहीं तो ये नहीं होना चाहिए हमारे पैसा, कैसे करें ब्रो? मैं क्या बताऊं अभी आपको सी वन थिंग वी कैन डेफिनेटली से दैट इफ देयर इज नो टेंजिबल चेंज इन कॉन्शियसनेस दैट इज हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देन डेफिनेटली देयर आर अपराधास व्हिच आर प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम एक्सेसिंग हायर डायमेंशंस। Yes. So, root cause of all problems in bhakti is sadhana is not happening nice. That is the root cause. Whatever may be the किसी भी रूप में वो सामने आए। Yes. लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ है? गड़बड़ हुई है। So, जैसे हम देखते हैं अगर कोई जीव सही में भगवान के अस्तित्व को या भक्तों के अस्तित्व को जानेगा तो वो ऐसे कार्य नहीं करेगा। सो बिकॉज फिलोसॉफी इज नॉट वी आर नॉट डूइंग आर साधना प्रॉपरली एंड दैट इज वाई ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। डज इट मेक सेंस गोविंद चरण को? यस प्रभु, आई ऑल्सो मतलब रिमाइंड हुआ कि मेरे को राधानाथ स्वामी वन सेड दैट कि व्हेन वी आर नॉट डूइंग अ साधना और डूइंग अ चैंटिंग दैट इज अ फॉल डाउन एक्चुअली, यस सो यस वी शुड वर्क ऑन दैट, सो थैंक यू प्रभु। सनातन निताय प्रभु हे कृष्णा, प्रभु जी दंड प्रणाम। प्रभु दंड में जी एज यूजुअल क्लास बहुत बढ़िया था। प्रभु जी दो सवाल थे। फर्स्ट इज व्हेन वी स्टार्टेड विद द ऊर्ध्व मूल मध्य शाखम, उसमें द क्वेश्चन हियर इज कि ये जो पेड़ है, ये वृक्ष है, इसमें ये पूरा भौतिक वृक्ष है क्या? इसमें देयर इज नो कृष्णा इन्वॉल्व, नो भक्ति इन्वॉल्व? लाइक मतलब अगर हम लोग असंग शस्त्र है ना, व्हेन वी आर ट्राइंग टू चॉप डाउन द ब्रांचेस, सो वेयर डू वी ट्राई टू गो? शुड वी ट्राई टू गो टू द रूट और हाउ इज इट? वी हैव टू ट्राई टू गो ऑन द पाथ ऑफ नविदा भक्ति। बाकी आप रूट्स स्टेम ब्रांचेस सबको छोड़ दो, अंडरस्टैंड द फिलोसॉफी एंड अल्टीमेटली गिव इट अप। हर जगह पे ऐसा ही है। अल्टीमेटली वी यूज लॉजिक टू गो बियॉन्ड लॉजिक। हम लॉजिक से ही लॉजिक के परे जाते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि क्वेश्चन अगेन प्लीज, एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन के वर्डिंग्स प्लीज सनातन नेता प्रू। जी माय क्वेश्चन हियर इज लाइक व्हेन वी आर सेइंग दैट वी शुड चॉप डाउन दी ब्रांचेस राइट बाय असंग शस्त्रेण, वी आर लाइक मतलब वी शुड गिव अवे ऑल दी विषय भोग एंड ऑल दोस थिंग्स एंड चॉप डाउन दी दिस थिंग, बट देन फ्रॉम देयर आर शुड बी गो टू दी रूट, इज कृष्णा एट दी रूट? दैट वे वी हैव टू टेक द पाथ ऑफ नविदा भक्ति। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट हैपेंस टू दिस क्रीपर ऑफ अश्वत्थ। अश्वत्थ के पेड़ को क्या हो रहा है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। इट इज एग्जैक्टली लाइक आप एक कॉलेज में जाते हैं। सो कॉलेज में जा करके आपने से सपोज 12th में, 11th और 12th में आपने मैथ्स ड्रॉप कर दिया। So, मैथ्स की टीचर हो या न हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना काम कर रहे हैं। मैथ्स का बोर्ड एग्जाम चल रहा हो आप टेंशन में नहीं आएंगे, आप अपना काम कर रहे हैं। यस सो
even if somebody fails in maths, you have no tension, you have a different path only. वैसे ही हमारे लिए आगे बढ़ने का जो पाथ है वो नवविधा भक्ति का है, वो इस चीज का है ही नहीं कि वो मूल कहाँ है और पत्ता कहाँ है, इससे कुछ लेना देना ही नहीं है हमको। आगे जा करके हमें नवविधा भक्ति में, शुद्ध भक्ति में संलग्न होना है। उसके लिए जितनी थोड़ी सी फिलोसॉफी जाननी चाहिए वो हमें भगवद्गीता के माध्यम से मिलती है। इज दैट ओके? वी नीड नॉट गो टू रूट्स। See, getting to root and getting to leaves is one and the same. Doesn't make any difference. Root से भी हमको बीच में आना है, leaf से भी हमको बीच में आना है, फर्क नहीं पड़ता। Did it yes, help? Yes, answer? Yes. Thank you. मतलब you basically told us like rather than getting too much deep into such kind of things, just practice. तटस्थ शक्ति means it can fall down, that is why it is तटस्थ। Yes, so हालांकि भगवान कहते हैं यद गतवा न निवर्तन्ते। So अगर कोई इतना प्रोग्रेस किया है कि वो भगवान तक पहुंचा है तो डेफिनेटली वापस नीचे आने के लिए बहुत समय लगेगा, लेकिन चेतना सही नहीं होगी तो नीचे आएगा ही आएगा। Is that okay? Yes, then one more question actually comes in here. Then the paraphernalia of Krishna is Akshar, always? Paraphernalia of Krishna is Akshar, yes. And then because we have gone up, now we have gone to Golok because our conscience is clear, we have come out of all the anathas, and now our mind is completely devoted to Krishna. Is it still possible for us to fall down? Because we did so much of the bhakti, and now because our mind and consciousness is so clear, still we will go there and become envious, because then their man, buddhi and ahankar is not there, right? My ahankar is all gone there. Now it is completely a false ego is not there. It is a pure ego, which is only thinking about Krishna, only concentrating Krishna's charan. So we'll still... Coming to this stage is a very long process. Coming to this stage is a very long process. And if somebody is really that qualified, then we need not discuss about that qualification only. वो qualification अपने आप दिखेगा। हमको वो discuss करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आप acidic या basic solution में litmus paper डालेंगे, result अपने आप दिखेगा। Pen के अंदर ink है कि नहीं, refill में ink है कि नहीं, आप लिखते रहिए, अपने आप दिखेगा। वैसे ही भक्ति में प्रगति भी अपने आप दिखेगी। Yes, अपने आप दिखेगी, वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। Everything will automatically be seen. Is that okay? Okay, so permanently we will remain akshar only. Sorry, akshar only. We will permanently remain akshar. Okay. Thank you, Guruji. Hare Krishna. Thank you. Thank you very, very much. सनातन मिताई प्रभु भद्रेश दानी प्रभु गोविंद चरण जठार प्रभु मंजुषा कुंदे माता जी निधि माता जी नुपुर माता जी पंकज प्रभु राम कृष्ण प्रभु सुहृद माधव प्रभु थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू प्रभु दंडवत सर्वदेव गीत हरि कृष्ण हरे कृष्ण।